दोस्तों कैसे हो गाइस। आज की हमारी कटिंग होने वाली है यानी कि सिंपल कटिंग। बच्चों की कैसे की जाती है, बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे हैं कि साहिल भैया बच्चों की कटिंग करके दिखाओ स्टेप बाय स्टेप। यानी कि आज हम कैंची के साथ और मशीन के साथ काट के दिखाएंगे भाई इसको कैसे काटते हैं। यानी कि आज कुछ आपको अलग बताऊँगा, यानी कि आसान तरीका बताऊँगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिया करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरे पास मशीन है, ठीक है, आप देख सकते हो। यानी कि मैं एक नंबर सबसे पहले नीचे एक नंबर लगाऊंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। आज हम लोग कंघे के साथ ही इसको स्टेप बाय स्टेप कटिंग करेंगे भाई। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदे वाली वीडियो है, ठीक है। देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नीचे एक नंबर लगाएंगे, देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जाके इस साइड में भी हम लोग करेंगे, ठीक है। क्लच नहीं दाबना, कुछ नहीं करना, इस साइड में भी हम लोग ऐसे करना, ठीक है। मशीन को ऐसे पकड़ा जाता है भाई, देख लो जो फिंगर होती है ना हमारी, ये वाली, इसको ऐसे पकड़ा जाता है, देखो, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं पकड़ा जाता, ट्रिमर को ऐसे पकड़ा जाता है, ठीक है। ये हमारी फिंगर दी हुई है 1, 2, 3, ठीक है। अगर हम वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर हमारा लेवल बनेगा, ठीक है। अरे भाई आसान तरीका है, ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो, बहुत ईजी है। गाइस सबसे पहले आपने पता क्या करना है, इसको झाड़ लेना बालों को, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी ट्रिमर बीच में फंसने लग जाती है, क्योंकि झाड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंघी लेना आपने ऐसे इसको लगाना, ठीक है। हम आओगे इस वाली साइड पे, ठीक है। फिर कान को ऐसे पकड़ेंगे, कान को ऐसे पकड़ के आपने तेजी नहीं करनी है, ठीक है। अगर भाई बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ, वहाँ पर जाओ फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, आपके मैसेज के रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। गाइस देखो मैंने एक नंबर लगा लिया दोनों साइड में, आप देख सकते हो, ठीक है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, ठीक है। मुंह पर ठीक है हट जाएंगे ताकि हमारा कस्टमर। गाइस मेरे पास आ गया अब 3 नंबर, यानी कि 10 mm का कंघा होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना, आज स्टेप बाय स्टेप कटिंग कंघे के साथ ही करके दिखाऊंगा आज, ठीक है। आसान तरीका है क्योंकि जो कहते हैं ना हमारे से कैंची के साथ यार मैच नहीं होती साहिल भैया, उसको कैसे मैच करें, क्योंकि ऐसी बहुत आते हैं कि साहिल भैया इसको हम कैसे करें, और लाइन उन लोगों से मिलती नहीं है यार आपसे, ठीक है। कई बंदे कहते हैं मेरे को लाइन मिलती नहीं, ठीक है। आपने ऊपर को उठा उठा के इसको लगा देना, ठीक है। देखो गाइस सिंपल कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। देखो और दोनों साइड में हमने ऐसे लगाना, देखो तो ये वाली लाइन दिख रही होगी, उसको हम बाद में बताऊंगा हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी तरीका होगी, बीच में नहीं लगाना आपने, इसको ऐसे उठा उठा के लगाना ताकि हमारा ऐसे लेवल एकदम ऊपर ऊपर को जाता रहे, ठीक है। इसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखो अब मैं आगे इस वाली साइड पर, देखो मेरा कैसे चल रहा है मशीन, देखो मेरी कैसे चल रही है, देखो मैंने दोनों साइड में लगा लिए गाइस, ठीक है, आप देख सकते हो। जो नीचे वाली लाइन है भाई उसको कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। हमने 3 नंबर लगाया, 1 नंबर हम नीचे लेके आएंगे यानी कि इसको डाउन करेंगे, कितना बचा हमारे पास, 2 नंबर बचा, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 नंबर लगाना है, उसको कैसे करना है हमने, देखो मैंने 2 नंबर लगा लिया, 6 mm का कंघा होता है। बस कंघों को आपने ध्यान पे रख के काम करना, आपकी कटिंग एकदम अच्छी हो जाएगी गाइस, ठीक। आपने इसको गाइस आपने ऐसे इसके साथ मिलाना, ये मत सोचना कि यार सोचना कि जो नीचे वाली लाइन है 2 नंबर हम लगाएंगे और मूव हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि अभी नहीं होगी, देखो, क्योंकि हम लोगों ने 2 नंबर लगा के उसको महीन करना है, क्योंकि वो डाउन हो जाए उसके बाद जो लाइन हल्की सी देखेगी उसको बताऊंगा हम कैसे करेंगे। देखना आज देखो, पहली बात तो आपने क्लच नहीं दाबना, पास में जाए, जो हल्की हल्की हमारी दिख रही है ना ब्लैक, ठीक है, मैं उसको बाद में बताऊंगा आपको, बस वो आपकी दिखेगी। ठीक है, आप देख सकते हो हल्की हल्की सी जो नीचे है वो दिख रही है, उसको मैं बाद में बताता हूँ आपको उस पर कैसे करना है। देखो इस वाली साइड पे मेरी दिख रही है ना, हल्की हल्की दिख रही है,
मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको कैसे करेंगे आपको इसको, ठीक है। देखो मेरी लग चुकी है दोनों साइड में, आप क्या करेंगे ये देखते रहें, ठीक है। एक नंबर लगाऊंगा क्लच को खुल दाब लूंगा, यानी कि पीछे कर लूँगा इसको, यानी कि ये होते हैं हमारे पाँच पॉइंट, यानी कि डेढ़ नंबर बन गया, ठीक है। मैंने दो नंबर लगाया, ठीक है। आप दिमाग लगा के सोचना भाई मैं कैसे समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, पर लेकिन वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तभी दिमाग में पड़ेगी। देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप तीन नंबर लगाया, दो नंबर लगाया, डेढ़ नंबर लगाया, एक नंबर लगाया, एकदम यानी कि आपकी फर्स्ट क्लास यानी कि कटिंग हो जाएगी, ठीक है। देखो ये क्लच होते हैं हमारे, ठीक है, इसको पाँच पॉइंट होते हैं, देखो ये वाले होते जो पाँच पॉइंट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर रख लेना, ये पाँच पॉइंट गिने जाएंगे आपका, ठीक है। देखो जो नीचे नीचे वाली लाइन है, ठीक है, आपने उसको कैसे करना, देखो उसी को आपने नीचे वाली लाइन को आपने रिमूव करना, बिना मतलब का कुछ किसी ऊपर बिल्कुल छेड़ना नहीं बाल को, ठीक है। आपने ऐसे अच्छी तरह से देखो जो मेरी लाइन थी वो आप देख सकते हो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। आपने भी गाइस ऐसे करनी, देखो ठीक है, ऐसे ही आपने करनी है। गाइस मेरे पास बड़ी वाली मैच वाली कंघी है, ट्रिमर है, जीरो नंबर पे रखना इसको, ठीक है। ये वाली चीज़ है, हमने इसको मैच करना, आप कैंची के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, इस मशीन के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों फायदे आपके हैं, ठीक है। क्लच को पीछे दाब लेना है, ठीक है, इसको क्लच को पाँच पॉइंट पर दाबना, उसके बाद जाके हम लोगों ने इसको मिक्स करना है, देखो इसको आपने टेपर में रखना है, ठीक है। देखो मैं टेपर में रख रहा हूँ तो मेरी एकदम यानी कि एकदम ऊपर को जाएगी कटिंग, क्योंकि बीच में नहीं जानी चाहिए, अगर बीच में चलेगी वहाँ पर ऊपर वाले हमारे को छोटे करने पड़ जाएंगे, वहाँ पर कटिंग हो जाएगी आपकी ख़राब, ठीक है। देखो अब अभी इस वाली साइड पर मैं सेम चीज करूँगा, क्योंकि अगर कंघी का लेवल आप ऐसे होगा, क्योंकि ऐसे सही है लेवल, ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो बीच में लगाओगे वहाँ पर कट पड़ जाएगा ना, सारी आपकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग की खराब हो जाएगी, ठीक है। इसको बड़े ध्यान पे रख के चलाना, ठीक है, कंघी को ऐसे पकड़ना, देखो ध्यान से देखो कंघी को मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से ऐसे पकड़ा जाता है कंघी को, ठीक है। अगर भाई चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। अरे जे भी मेरे लग चुके जो हल्के के जे वाले हैं, ठीक है, अब हम काटेंगे ऊपर वाले, ऊपर वाले बहुत ही हल्के काटने हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं, पानी मार के गाइस इसको पहले झाड़ना आपने, ठीक है, अच्छी तरह से झाड़ लेना इसको, ठीक है। गाइस मेरे पास जे वाली कंघी है, कंघी आप कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इसको मैच करना है, ठीक है। ये है मेरे पास कैंची, ठीक है, कैंची भी कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने मिलाना कैसे इसको, देखो गाइस आपने ऐसे मिलाना ऊपर ऊपर को, ठीक है, एक लेवल में आपकी कंघी चलनी चाहिए, जैसे मैं चला रहा हूँ ना, एक लेवल में चलाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। हमने इसको मिलाना होता, अगर सिंपल कटिंग करोगे इसको मिलाना होता हल्का हल्का, ठीक है, बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा इसको कैसे करना है, ठीक है। अगर यार वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। अगर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो कि ये वाली वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर वीडियो जल्दी आ जाएगी, ठीक है। देखो ऊपर ऊपर को जाना है, बीच में नहीं लेके जाना, ठीक है बस। आप देखो इस वाली साइड पे देखो, और इस साइड एकदम यानी कि मेरी मैच आई है, आप देख सकते हो, ठीक है, कहेंगे इस वाली साइड पे देखो, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, दोनों साइड में आपने ऐसे ही करना है। अब हम करेंगे भाई ऊपर वाले बहुत ही ध्यान से हमने करना है इसको, कैसे करने, देखो ध्यान से देखना। आज मैं फिंगर में लेके बाल को काट के दिखाऊंगा, क्योंकि यार कमेंट बहुत आते हैं कि साहिल भाई ये फिंगर में काटना नहीं आते, उसको कैसे काटेंगे हम लोग। देखो यार
पहले आपने ऐसे झाड़ लेना, ध्यान से देखना भाई, वीडियो स्किप करोगे फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि कमेंट में कि सहल भैया पता नहीं लगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के बीच में बताता हूँ। ठीक है, आ देखो सबसे पहले आपने इस वाली लहर उठानी है, ठीक है, ऐसे काट देना, ठीक है, उसके बाद फिर इस साइड में से बढ़ना, ठीक है, पीछे को, उसके बाद फिर आपने ऐसे करना, जो दो फिंगर होगी उसके हिसाब से आपने ऐसे पकड़ने बाल को, आपने ऐसे लॉक करना बालों को, ठीक है, देखो अब आगे इस वाली साइड पे देखें। अगर आपसे ये वाली कंघी के साथ नहीं मिलती, आपने क्या करना, ऐसे बालों को उठा के जो जितने भी बाल आते होंगे बीच में उतने ही आपने ऐसे काट देने, ठीक है, आधे में इस वाले लूँगा, आधे में उस वाले लूँगा, क्योंकि मेरे को एक लेवल पता लग जाएगा इसका कितना है लेवल, ठीक है, उसके हिसाब से मैं कटिंग कर दूँगा, ठीक है। इसको बाद हम लोग फिर करेंगे, इस साइड में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, देखो इसको फिर आपने ऐसे काट दिया, देखो मेरे एक लेवल में यानी कि बाल काटे जाएंगे, ठीक है, यानी कि एकदम बरोबर होंगे ऊपर वाले, ठीक है, बड़े छोटे नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे आपको, देखो जो बड़े बड़े छोटे हैं तो भाई उसको मैं ऐसे मैच करूँगा। तो बालों को झाड़ के देखना आपने कहा, ठीक है, एकदम आपके बरोबर होने चाहिए। आप क्या करेंगे, हम लोग जो आगे हैं बाल, ठीक है, दिखा लो, इसको हमने कैसे काटना, देखो ज़्यादा नहीं काटना, ठीक है, हल्का हल्का लगाना है ऐसे मान, अगर आप बाल बिल्कुल सीधे करोगे तभी आपकी लेंथ सीधी जाएगी, नहीं तो टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, आपने अच्छी तरह जन किसको ऐसे सीधे करोगे, ठीक है, देखो ऐसे काटते हैं, ठीक है, ऐसे क्या होता है बरोबर नहीं बाल काटे जाते, ठीक है, बड़े छोटे रह जाते बीच में, देखो ठीक है, उसके बाद फिर जाके ऐसे करते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हो वैसे, अगर बरोबर होने चाहिए आप, ठीक है, आप झाड़ कर देते हैं ना, राउंड देंगे साइड साइड में, ठीक है। गज मेरे पास छोटी वाली ट्रिमर है, आप कैंची के साथ भी राउंड दे सकते हो, यानी कि आज मैं ट्रिमर के साथ राउंड देके दिखाऊंगा इसको कैसे देते हैं, ठीक है, देखो पहले हम कलम बनाएंगे, कलम बना के हल्का से इसको ऐसे इसके साथ में जोड़ेंगे, ठीक है, देखो तो अब आगे इस वाले साइड पे कान को ऐसे पकड़ना पर, लेकिन आपकी एकदम गुलाई होनी चाहिए, अगर आपकी गुलाई इधर उधर होगी तो वहाँ पर कटिंग खराब हो जाएगी, ठीक है, आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, इसको बड़े ध्यान से रख के काम करना, ठीक है। अब आ गया मैं इस वाली चाट के देखता हूँ, ठीक है, जो ये वाली चीज लेंथ होती है ना, देखो जो गर्दन वाली होती है ये वाली, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, ये वाली अंदर नहीं की जाती है, हल्की सी बाहर रहनी चाहिए, चौड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि तभी अच्छी कटिंग लगती है बच्चों की, ठीक है, ये तो वहाँ पर सारी कटिंग खराब हो जाएगी आपकी, आपने कुछ नहीं करना, हाथ से लगाना है, ठीक है, हाथ से मैं निशान लगाऊंगा, इस साइड में आ जाऊंगा, ठीक है, देखो मेरी एकदम गुलाई दिख रही है, ठीक है, ऐसे आपने हाथ को घुमाना है, ठीक है, उसके बाद कान को ऐसे पकड़ के, उसके बाद साइड वाला आँखा पर निशान लगा के, उसके बाद आपने इसके साथ टच कर देना ताकि आपकी इसके साथ मैच हो जाए कटिंग, ठीक है। अब हम लगाएंगे ब्लेड, भाई ब्लेड भी हल्के हल्का से लगाना है, जहाँ पर आपने निशान लगाया वहाँ पर ही लगाना है, ठीक है, फालतू ब्लेड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो ठीक है, कान को ऐसे पकड़ेंगे, कान को ऐसे पकड़ के यानी कि हम लोग इसको ऐसे हथ को बना देंगे, इस साइड में भी और इस साइड में, ठीक है, हल्का सा हाथ से हम लोग काट लेंगे इसको, उसके बाद जो जीवन चीज़ है, ठीक है, उसको हमने ऐसे नीचे खींचना पर, लेकिन इस साइड में से आपका कान भी बचना चाहिए, वहाँ पर लगना नहीं चाहिए बच्चे के, ठीक है, देख लो, ठीक है, ठीक है, इसको भी ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना, क्योंकि मैंने बहुत कटिंग देखी है, क्योंकि जो भाई करते हैं ना, ठीक है, आहाँ से इतना ऊपर चढ़ा देते हैं भाई, आपकी कटिंग कहाँ गई फिर, देखो अगर आप आहाँ से चढ़ा दोगे वहाँ पर आपकी सारी कटिंग खराब हो जाएगी, ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना यार, ठीक है।
अब आगे इस वाले झाड़ के देखो, ठीक है, इसको ऐसे किया जाता है। अगर आपके बाल साइड में आपने क्या करना, ऐसे करना, ठीक है, जो बाल होंगे आपके निकल जाएंगे, ठीक है। देखो ठीक है ना गाइस, लो जी गाइस, लो जी गाइस, हमारी सिंपल कटिंग हो चुकी है। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। कौन कौन भाई मेरी कटिंग देख के सीखा भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कौन सी सिटी से हो, कौन से गाँव से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।